और इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ के लिवाना होटल में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। ये होटल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद है। आग में कई लोगों के झुलसने की खबरें हैं। दमकल कर्मी होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कवायद में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, लिवाना होटल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। और देखिए, यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं, लोगों को सीढ़ियां लगाई गई हैं, निकाला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस आग में कई लोग झुलस गए हैं। जो लोग इस होटल में ठहरे हुए थे वो शायद उस वक्त नींद में रहे होंगे, लेकिन अचानक इस होटल में आग लग गई। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि आग लगने की वजह क्या है। विशाल प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या है पूरा मामला, आग लगने के पीछे की वजह सामने आई, स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए प्रिया, आपसे कुछ देर पहले की ये जानकारी है। देर रात हजरतगंज इलाका है लखनऊ का, काफी पॉश इलाका है, वहां का लिवाना सूट होटल है ये। और लिवाना सूट होटल में फिलहाल अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि आग कैसे लगी है, लेकिन आग लगी है थर्ड फ्लोर पे और फोर्थ फ्लोर पे। थ्री स्टार कैटेगरी का ये होटल आता है। जो गेस्ट वहां पर आए हुए थे, जो लोग आए हुए थे, बताया जा रहा था कि वो सो रहे थे और उसी दौरान ये आग लगी है, जिसके बाद मौके पर फायर विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं। इस बारे में कोई जानकारी कि अभी कितने लोग भीतर फंसे हुए हैं, कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है बाहर? देखिए, हमारी जो आपसे कुछ देर पहले पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि लगभग से कुछ देर पहले तक लगभग 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका था। उनका ये अंदेशा है, जो होटल स्टाफ से उनकी बातचीत चल रही है, कि शायद अब अंदर कोई ना हो, लेकिन अभी ये कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती है क्योंकि तो आग का जो धुआं है वो फैला हुआ है, इसकी वजह से स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी अंदर का स्टेटस क्या है, अंदर लोग कितने फंसे हुए हैं, इस बारे में फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि आग तो बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं लगातार निकल रहा है वो लोगों को ऑपरेशन को, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करने में निश्चित तौर पर थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा कर रहा है। लेकिन मौके पर जो पुलिस के लोग हैं, फायर विभाग के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, वो सभी पहुंचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार बुलाई जा रही हैं ताकि मौके पर रेस्क्यू को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा सके, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि अंदर कुछ लोग फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, सबको रेस्क्यू किया गया है या अभी नहीं किया गया है, क्योंकि धुआं काफी ज्यादा है, पॉश इलाका है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है कि होटल के अंदर लोग मौजूद हैं या फिर सबको एवैक्यूएट किया जा चुका है। ठीक है विशाल, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपका फिर से रुक करेंगे। तो ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की, जिस वक्त होटल में सुबह सुबह का वक्त था, लोग गहरी नींद में रहे, अचानक होटल में आग लग गई, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।